हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 4 दिसंबर और आज हम 4 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन क्वेश्चंस से भी संबंधित जितनी भी जानकारी है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम इस वीडियो में और उन क्वेश्चंस के तहत डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विक्रम लैंडर के आखिरकार किसका हिस्सा था। तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 का एक हिस्सा था, यानी कि एक भाग था। चंद्रयान 2 अभी कुछ ही दिन पहले जिसको लॉन्च किया गया था, जो कि पूर्णतया चांद पर लैंड नहीं कर सका, एक असफल अभियान रहा। कुछ हिसाब से देखा जाए तो सफल और कुछ हिसाब से देखा जाए तो असफल अभियान रहा। खैर, तो यहाँ पर चंद्रयान 2 को 3 हिस्सों में बांटा गया था। कौन कौन से? ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो यहाँ पर लैंडर की बात की जा रही है कि विक्रम लैंडर का पता लगाया है, तो उस व्यक्ति का नाम बताना है कि किन्होंने ये इसका पता लगाया है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, विवेक मूर्ति, अभिषेक अग्निहोत्री, सन्मुख सुब्रमण्यन और इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी, सन्मुख सुब्रमण्यन, इन्होंने विक्रम लैंडर का पता लगाया है। और एक बात, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी जानकारी कि ये जो आपका चंद्रयान 2 था इसको किस रॉकेट से भेजा गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपका DRDO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से आपका रॉकेट का नाम पूछा गया था कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया। तो यहाँ पर आपका GSLV MK3rd M1, जी हाँ, पूरा नाम वहाँ पर पूछा गया था, क्योंकि ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें, और उसमें ये पूरा नाम दिया गया था। तो अगर आप याद रखते हैं कि GSLV MK3rd, तो भी आपका काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूरा नाम पूछ दिया जाएगा। तो आपको पूरा नाम याद रखना है कि GSLV MK3rd M1, तो इस रॉकेट से चंद्रयान 2 को भेजा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बैलन डी ओर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किस खिलाड़ी को दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार एंड पेले। तो किसको दिए जाने की घोषणा की गई? लियोनल मेसी को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो अब इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो लियोनल मेसी आपके जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के ये रहने वाले हैं, और इन्होंने ये छठवीं बार ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। और सबसे फेमस जो आपका ऑप्शन बी दिख रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये भी एक बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो ये इस तीसरे स्थान पर रहे। और अगर महिला वर्ग की बात की जाए, ये तो हो गई पुरुष वर्ग की, अगर बात की जाए महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में अमेरिका की मीगन रेपिनो ने ये पुरस्कार जीता है। जी हाँ, याद रखें, ये तो पुरुष वर्ग का है और ये फुटबॉल का पुरस्कार है, याद रखें, फुटबॉल का पुरस्कार है बैलन डी ओर। तो लियोनेल मेसी पुरुष वर्ग के लिए, और महिला वर्ग के लिए अमेरिका की मीगन रेपिनो को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, विपिन मलिक, पृथ्वीराज सिंह रूपन, अमीना गुरीब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना गया है। किसे? पृथ्वीराज सिंह रूपन को। पहले ये कला एवं संस्कृति मंत्री थे मॉरिशस के, और अब ये इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या राजधानी है? पोर्ट लुइस। और यहाँ पर हमने बात कर ली राष्ट्रपति की, तो दिमाग में तुरंत से आता है कि प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के? प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ, याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल
जी हाँ, याद रखें कभी कभी रेटिंग एजेंसी का भी नाम पूछ दिया जाता है। तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से घटाकर कितना कर दिया है। आपके पास चार ऑप्शन है, 6.0%, 5.5%, 5.1% एंड 5.0%। तो क्रिसिल ने कितना अनुमान घटा दिया है, 5.1% ये अनुमान कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि आप क्रिसिल के अलावा कितनी रेटिंग एजेंसियों के बारे में जानते हैं, उनके नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया गया। आपके पास चार ऑप्शन है, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या फिर 4 दिसंबर। तो आपका विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छा, इस दिन को क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों को लोगों के प्रति व्यवहार या फिर लोग कैसा व्यवहार करें जो डिसेबल्ड पर्सन है या दिव्यांग पर्सन है, और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1992 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा? 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 6वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और विदर्भ। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और विदर्भ। तो किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने यह टूर्नामेंट जीता, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु को हराया है, वो भी कितने? 1 रन से। इन्होंने तमिलनाडु को हराया 1 रन से। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी की भी। तो विजय हजारे ट्रॉफी को भी कर्नाटक ने ही जीता था, और हराया किसको था? तमिलनाडु को ही हराया था। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी और जो आपका विजय हजारे ट्रॉफी है, दोनों को जीता कर्नाटक ने और हराया किसको? तमिलनाडु को हराया दोनों में ही। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन की सिचुआन एयरलाइन ने किस देश के लिए मालवाहक विमान सेवा शुरू की है? आपके पास चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत और अमेरिका। तो किस देश के लिए शुरू की है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, भारत के लिए इन्होंने इसको शुरू किया है। किसके लिए? भारत के मध्य ये शुरू की जाएगी, चीन और भारत के मध्य। चीन के शांसी प्रांत से दिल्ली के मध्य इसको शुरू किया जाएगा, और हफ्ते में 2 बार ये चलेगी। हफ्ते में यानी कि 7 दिन में ये 2 बार चलेगी। अच्छा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जी हाँ, जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एनजीओ, जो आपके एनजीओ हैं और अमेरिकी सेना है, ये किस देश ने इसको प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने ऐसा किया है। चीन ने कुछ उसके यहाँ पर एनजीओस हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया है, और अमेरिकी सेना पर भी प्रतिबंध लगाया कि आप हमारे देश में ना आए, आप हमारे देश में कार्य ना करें। अगर बात की जाए कि चीन की राजधानी कौन है, तो आप सभी जानते हैं बीजिंग, क्योंकि चीन के लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इस तरीके से आप उसकी राजधानी याद रख सकते हैं, बिजी से बीजिंग। और इसके राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। सी जिनपिंग। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइस किसने जीता? शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइस किसने जीता? चार ऑप्शन है आपके पास, अमिताभ घोष, संजीव पुरी, टोनी जोसेफ और सतीश चंद्रा। तो किसने जीता है आपका शक्ति भट्ट पुरस्कार? तो टोनी जोसेफ ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। इनको किस बुक के लिए दिया गया है? तो इनकी बुक है अर्ली इंडियंस, द स्टोरी ऑफ आवर इंसेस्टर्स एंड वेयर वी कम फ्रॉम के लिए इनको ये दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? अर्ली इंडियंस, द स्टोरी ऑफ और आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर कम फ्रॉम के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये इनकी बुक कब आई थी? इनकी 2018 में ये बुक आई थी। और ये किस क्रम का पुरस्कार है? ये 12वां, टोटल ये 12वां है। तो 12वां मिला है टोनी जोसेफ को। इसकी स्थापना कब शुरू की गई, इस मतलब इसको कब स्थापित किया गया? तो
तो इसको स्थापित 2008 में किया गया था, आप जान गए होंगे। क्रम के हिसाब से इसमें 2 लाख रुपए दी जाती है दिए जाते हैं और एक ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वीडियो देखते हुए अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से इसको शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल पेमेंट के लिए अनिवार्य रूप से फास्ट टैग लागू करने की तारीख कब तक बढ़ा दी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 15 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर। तो क्या तारीख कर दी है नई, तो 15 दिसंबर। पहले 1 दिसंबर थी, अब इसको बढ़ा करके 15 दिसंबर कर दिया गया। अच्छा, फास्टैग लागू क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे क्या है, जो आपका टोल है, टोल प्लाज़ा में लंबी लंबी लाइनें नहीं लगें, क्योंकि एक ऑनलाइन पेमेंट मेथड है। इससे क्या है, आप पैसा आपका जो ऑनलाइन ऑनलाइन ही कट जाएगा और आप आसानी से बिना समय गवाए आप टोल से क्रॉस कर सकेंगे, जिससे क्या है आपके काफ़ी ईंधन की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। इसलिए इस फास्ट टैग को आप शुरू किया जा रहा है। यहीं पर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें आज जो आपके राजमार्ग मंत्री हैं कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य किरण 14 सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो किस देशों के मध्य होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत म्यांमार या फिर भारत सिंगापुर। यानी कि भारत तो आपका कन्फर्म है, कॉमन है, अब दूसरा देश कौन सा है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है। ये सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और यहाँ पर की राष्ट्रपति कौन है आप सभी जानते हैं, हमेशा चर्चा में रहती हैं, विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। जी हाँ, पूछ देता है कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में, तो आप याद रखें राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं KP शर्मा ओली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में मलयालम के किस कवि को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है, गिरीश कर्नाड, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, अमिताभ घोष या जी शंकर कुरु। तो आपका कौन सा ऑप्शन? B ऑप्शन सही होगा, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। 54वां किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें कि इनकी जो नंबूदरी जी हैं, तो इनका जन्म 8 मार्च 1926 को केरल में के पलक्कड़ जिले में हुआ था। कहाँ? केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। अच्छा, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में पहली बार ये दिया गया, और वो भी किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। अच्छा, इस बार ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि जो आपके जी शंकर कुरूप थे वो भी आपके तो जो आपके जी शंकर कुरूप जी हैं वो भी आपके मलयालम के ही कवि थे। तो इस बात को ज़रूर से याद रखें, जी शंकर कुरूप भी मलयालम के थे, और इस बार जिसको मिल रहा है वो भी क्या है, मलयालम के ही कवि हैं। कौन? अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, यानी कि ऑप्शन B आपका सही होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, सोशल मीडिया पर फैलाएं। और आपके पास कोई सुझाव है, कोई आप सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सुझाव साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.careerupdate.co.in। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।